हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है BSV पटना क्लास में। तो आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2 का क्वेश्चन। VBI ऑब्जेक्टिव होने वाला है आज, फिर से आज टेस्ट होने वाला है। तो आप लोग टेस्ट आराम से दीजिएगा, मज़े से दीजिएगा और काउंट करके बताइएगा कि कितना सही हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो हम आज क्वेश्चन कराएंगे, टेस्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा VBI। देखिए चैप्टर नंबर है पुष्पी पात्रों में लॉन्ग एक, ठीक है, इस चैप्टर से होगा। 12th क्लास का VBI ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आप लोग वीडियो अभी पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। इसी चैनल के थ्रू आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी और क्या कल पढ़ना है उसका भी कमेंट बताया जाएगी, कल क्या किस चीज़ का क्लास करना है आप लोगों को। तो चलिए पहला क्वेश्चन इस तरह से देख लेते हैं। रोज़ लाइव इसी टाइम में होता है क्लास, आप लोग लाइव जुड़ते चले। चलिए पहला क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है स्क्रीन पे, देखिए। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन आ चुका है, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसके आंसर आप लोग दीजिए कमेंट में। कीट परागित, वायु परागित, हवा परागित या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से चार ऑप्शन आ चुका है, आप लोग कमेंट में आंसर देते चलें, बहुत बढ़िया। और अपना आप लोग अपना नाम थोड़ा बता दें कि क्या नाम है आप लोग को कमेंट में। चलिए बहुत बढ़िया, इसके आंसर आप लोग बता दिए बी नंबर। तो जी हाँ, बी ही नंबर होगा इसका सही ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वायु परागित। चलिए दूसरी क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुमूल्यम पुष्प निश्चित रूप से होता है, अनुनिम्यलम, ठीक है, पुष्प निश्चित रूप से होते हैं, क्या होते हैं? स्वरूप गति होते हैं, परपरा गति होते हैं, या ये भी दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता। इस तरह से चार ऑप्शन आ चुका है स्क्रीन पे, आप लोग आंसर दें कमेंट में, जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो लोग। और चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, तो आप लोग कमेंट में दे दिए ए आंसर, तो इसका हो जाएगा ए ही आंसर, ठीक है। चलिए तीन नंबर में देख लेते हैं। एंटोमोफिलिस पुष्पों में परागकण का माध्यम होता है, क्या माध्यम होता है? चींटी, कीट, पक्षी, हवा। इस तरह से चार ऑप्शन है, बताओ। एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है, किस तरह से होता है? तो इसके आंसर आप लोग दें, चलिए दे दिए आंसर आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर यानी कि कीट, कौन? कीट। चलिए तीन नंबर में देख लेते हैं। आपको चैनल पर नए हैं तो लाइक करते चलिए वीडियो को। नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है, नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है। ए में होगा भ्रूणा, बी में अंतर्भित्ति, सी में भ्रूणपोष है, ठीक है, और डी में इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन इस तरह से, बताओ आंसर कमेंट में, क्या होगा इसका आंसर? लाइव क्लास में आप लोगों को स्वागत है, इसी तरह लाइव क्लास करते चले, ठीक है, बहुत बढ़िया क्लास हो रहा है। चलिए इसका आंसर दे दिया आप लोग, इसका आंसर आप लोग सी दे रहे, तो जी हाँ सी ही होगा, कौन? भ्रूणपोषी, कौन? भ्रूणपोषी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए पाँच नंबर में देख लेते हैं। मनुष्य के प्राथमिकता शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स के ऑटोसोम की संख्या होती है, कितनी होती है? 44, 46, 23 या 40। मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, बताइए आप लोग कमेंट में सर। बढ़िया दे रहे जवाब आप लोग, चलिए इसी तरह आंसर देते चले और लाइक भी करते चले और लाइव क्लास में जुड़ते चले और वीडियो को भी शेयर करते चले। चलिए तो इसके आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर ए दे रहे, तो जी हाँ ए ही हो जाएगा, कौन? 44, ठीक है, ए नंबर। चलिए आगे देख लेते हैं इसका छः नंबर क्वेश्चन। पुष्पीय पौधे के
भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? पुष्पीय पौधे जो होते हैं उसमें भ्रूण कोष के कितने गुणसूत्र होते हैं बताइए आंसर आप लोग कमेंट में। चार ऑप्शन इस तरह से देखिए दिया हुआ है, ए में एन, बी में टू एन, थ्री में थ्री एन या फोर में फोर एन, डी में चार ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग कमेंट में आंसर देते चले। चलिए इसका आंसर आप लोग दे दिए सी नंबर, तो जी हाँ सी ही नंबर होगा कौन, थ्री एन। ठीक है चलिए साथ में देख लेते हैं, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन, युग्म जनन, कायिका विभाजन या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से चार ऑप्शन है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में, बढ़िया दे रहे हैं आंसर। चलिए इसका आंसर आप लोग दे दिए बी नंबर, जी हैं बी ही नंबर होगा कौन, युग्मक जनन, क्या युग्मक जनन। चलिए आठ में देख लेते हैं, हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? ए में पत्तियों में, बी में तने में, या सी में दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन इस तरह से आ चुका है, आप लोग कमेंट में आंसर दे। वीडियो पर नए लाइक करें और सब्सक्राइब करते चले चैनल के, इसी चैनल के थ्रू आप लोग को थ्योरी क्लास भी कराई जाएगी। ठीक है तो इस मंथ के नेक्स्ट फर्स्ट वीक से आपको थ्योरी क्लास भी कराई जाएगी चैप्टर वाइज। ठीक है तो अभी तक कोशिका टेस्ट हो रहा है आप लोगों को कितने पानी में है। ठीक है चलिए इसका आंसर आप लोग दे चुके हैं, आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है इनमें से कोई नहीं, क्या इनमें से कोई नहीं। चलिए नौ नंबर में देख लेते हैं, पराग कण का बाह चोल बना होता है, क्या चीज़ से बना होता है? पोक्टोसेलुलेस से, लिग्नोसेलुलेस से, या स्पोरोपोलिलेन से, या पराग कीट से, आंसर दीजिए। बढ़िया है आप लोग इसी तरह आंसर देते चले और भी बच्चों को जोड़े और शेयर करते चले। चलिए इसके आंसर आप लोग दे दिए सी नंबर, जी हाँ सी नंबर होगा कौन, सी नंबर होगा। ठीक है चलिए नौ हो चुका है क्वेश्चन नंबर, अब दस देख लेते हैं। ठीक है निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? ड्रोसोला, नेपेन्थिल्स, ये भी दोनों, या हाइड्रीला, बताओ आंसर, बताओ आंसर कौन होगा। बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, ए में ड्रोसेरा है, बी में नेपेन्थिस है, सी में ए भी दोनों है, या डी में हाइड्रीला है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको दे रहे सी नंबर, ए भी दोनों, यानी ए ड्रोसेरा और नेपेन्थिस, यानी दोनों ए भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रित की संख्या होती है, कितनी होती है? दो, तीन, चार, पाँच, बताओ। इस तरह से ऑप्शन आ चुका है आप लोगों के लिए, चलिए इसका आंसर आप लोग दे दिए कमेंट में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, कौन, डी नंबर। बारह नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किसमें इंडोस प्रेम करा का क्लक्सेज हो जाता है? आम में, आइवरा क्या है, आइवरी बेर में, या नारियल में, या रेंडी में, बताओ। इस तरह चार ऑप्शन है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, साइथलेपस में, क्या साइथलेपस में। ठीक है इस तरह से बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए तेरह में देख लेते हैं, हरा नारियल में निहित दूधिया जल है, हरा नारियल में निहित दूधिया जल है, किसी का लिक्विड चलेजा, या लिक्विड नेकुलस, या है डेंजरेट लिक्विड फ्री न्यूक्लियर्स, इंडोस्पर्म, या लिक्विड फीमेल गेमटोफी, इस तरह से। ठीक है गेमटोफी, तो चार ऑप्शन इस तरह से आ चुका है, आप लोग आंसर दे कमेंट में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी नंबर। ठीक है
चलिए आगे देख लेते हैं। 14 नंबर में किसी मूल कोशिका में गुण सूत्र की संख्या कितना है? 14 है। तो सैनरी गर्ड्स में इसकी संख्या कितनी होगी? सैनरी गर्ड्स में इसकी संख्या कितनी होगी? 14 की 7 28। बताओ आंसर। चार ऑप्शन इस तरह से है, चलिए इसके आंसर दे दिए आप लोग, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आप लोग सी बोल रहे हैं। जी हाँ, सी ही आंसर होगा। कौन? सी नंबर। चलिए 15 में देख लेते हैं। मक्का को प्रोटीनयुक्त को कहते हैं, क्या कहते हैं? एपोफिजिक्स कहते हैं, एस्कुटेलम कहते हैं, सेलोपोटिल कहते हैं, या अल्युरोपण भित्ति कहते हैं? बताओ आंसर इसका क्या होगा। चलिए इससे बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं आप लोग। लाइव क्लास में मज़ा आ रहा है, कुछ यस या नो लाइव लिख कमेंट लिखे, यस या नो लाइव में मज़ा आ रहा है या नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्या? डी नंबर हो जाएगा, यानी कि अल्यूरोन भित्ति। 16 नंबर में देख लेते हैं। एक अर्ध सूत्री कोशिका भोजन से कितने नर युग्म बनते हैं? 4 1 2 8। चार ऑप्शन दिया है, बताएं सर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, चलिए बढ़िया दे रहे हैं। इसका आंसर आप लोग दे रहे हैं ए नंबर। जी हाँ, ए ही नंबर हो जाएगा। कौन? ए नंबर। 17 नंबर में देख लेते हैं। एमएमसी में गुणसूत्र कितना है? 24 है। तो इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगा? 12 24 36 48। चार ऑप्शन दिया हुआ है, कमेंट कर ले आप लोग जल्दी से। चलिए इसका आंसर दे दिया आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी कि 36। आधुनिक भ्रूणाविज्ञान को जनक है, आधुनिक भ्रूणाविज्ञान के जनक है कौन है? स्लीडेन एवं स्वान हार्टविग, अरस्तु, वॉन वीर। बताओ इस तरह। चार ऑप्शन दिया हुआ है। 18 क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग देख ले सभी क्वेश्चन को और कमेंट में आंसर दे कि कितना सही हुआ है। चलिए इसके आंसर आप लोग दे दिए हैं ना, डी नंबर। जी हैं बिल्कुल हो, वॉन वीर होगा। कौन? वॉन वीर, याद रखिएगा। कौन? वॉन वीर। 19 का होगा एस्ट्रोबाइलेथस कुंडियान 12 वर्ष के एक बार पुष्पाकरण में गुजरात है, ठीक है? पुष्पाकरण से गुजरात है। विग 2006 ईस्वी में सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था, यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? तो आप लोग आंसर देख ही नहीं, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, यानी कि कर्नाटक एवं केरल, ठीक है? एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म से किसे पोषण दिया जाता है? बीज, फल, एंडोस्पर्म या भ्रूण? चार ऑप्शन इस तरह से दिया है, जल्दी से आंसर दे कमेंट में। चलिए बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। कौन? डी नंबर, यानी कि भ्रूण। आवृत बीज में निषेचन होता है, आवृत बीज में निषेचन होता है न्यूक्लियस में, भ्रूणकोष में, अंडाशय में या ओवले में? बताओ। इस तरह से चार ऑप्शन दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? कमेंट करते चलिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करते चले, ठीक है? चलिए इसके आंसर आप लोग दे दिए हैं कमेंट में, बी नंबर। तो जी हाँ, बी ही नंबर सही होगा, ठीक है? आगे देख लेते हैं। 21 नंबर में निषेचन के बाद बीज की के बीच आवरण किससे बनता है? तो ऑप्शन नंबर इंट्रेजिमेंट से बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा निषेचन के लिए आवश्यकता है? कोरोला
ओबले या क्लैक्स या फॉल, इस तरह से चार ऑप्शन बताओ आंसर कौन हो जाएगा इसका। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे दिया आप लोग, आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। क्या बी नंबर? ओले पक्षी द्वारा परागकण को कहते हैं, क्या कहते हैं पक्षी द्वारा परागकण को क्या कहते हैं? इंटोमोफिलिया, मायरमेसोपलिस सोफिलिया, ऑर्निथोफिली, इससे चार ऑप्शन दिया हुआ तो आप लोग आंसर दे कमेंट में। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 25 में देख, किसी आवृत्ति बीज के भ्रूण पोषण कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, इसके युग्मों का गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 8, 16, 24 या 48? बढ़िया कमेंट करें, इसी तो कमेंट करें। चलिए इसका आंसर दे दिया आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि 8। कितना? 8। लीची का खाने योग्य भाग है, कौन सा खाने का योग्य भाग है? एंडोस्पर्म या मीसोकार्प या फ्लेसरी एरियल या पेरिस्कार्प, कौन सा भाग खाने के योग्य है बताओ आंसर। चलिए आंसर दे दिया आप लोग सी नंबर, जी हाँ सी ही नंबर होगा, ठीक है, फ्लेसली एरियल, ठीक है एरल। चलिए 27 में देख लेते, एक मटर पौधा के 400 बीज निर्माण करने के कितने अर्धसूत्री बीजाणु की संख्या जरूरत पड़ता है? एक मटर में 400 बीज निर्माण के में कितने अर्धसूत्री बीजाणु की संख्या जरूरत पड़ती है? चलिए इसका आंसर दे रहे आप लोग कमेंट में इसी तरह से। चलिए बढ़िया बढ़िया, इसी तरह चलिए इसका आंसर आप लोग बी दे रहे हैं तो बी हो जाएगा यानी कि 500, ठीक है। कितना? 500। चलिए आगे देख लेते हैं, न्यूक्लियस या इंट्रेजिमेंट से अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉलीस्पोरमी, गिफ्ट आर ए, पार्थेनोकार्प या पोलीएम्ब्रायोनी, ठीक है पोलीएम्ब्रायोनी, ठीक है बताओ आंसर कौन होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग बोल रहे हैं डी नंबर, तो डी होगा पॉलीएम्ब्रायनो, ठीक है। 29 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंथरवाल्स का हिस्सा नहीं है? एंथोक्यूम, इस चार ऑप्शन देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप लोग कमेंट में दिए आंसर देख ले। एंथोथेलियम, टेपथियम, मिडल लेयर। चलिए इसके आंसर आप लोग दे दिए चार में बी के, बी हो जाएगा इंडोथेलियम, ठीक है। क्या? इंडोथेलियम। और लास्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते, ठीक है। एगो एपरेटस बना होता है, क्या चीज़ से बना होता है? चार ऑप्शन आ चुका है स्क्रीन पे, आप लोग आंसर दे कमेंट में, लाइक कर दे, वीडियो को शेयर भी कर दे। चलिए चलिए अच्छी बात है, चलिए इसके आंसर आप लोग दे दिए हैं डी नंबर, तो डी ही होगा सही। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट कल वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।